सो गाइस, आप सभी को तो यहाँ पे पता ही होगा Realme की न्यू अपकमिंग सीरीज Realme P सीरीज 15 अप्रैल को फाइनली लॉन्च हो रही है। एंड इस वीडियो में स्पेशली बात करने वाले हैं इसके सेकंड स्मार्टफोन Realme P1 Pro 5C के बारे में। एंड यहाँ पे आपको P1 भी देखने को मिलता है, लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे स्पेशली Realme P1 Pro 5C के कम्प्लीट स्पेसिफिकेशन के बारे में, किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होगा, क्या डिज़ाइन रहने वाला है, पूरा कम्प्लीट यहाँ पर निकल के आ चुका है। देन इससे पहले अभी आपने वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो भी गाइस जरूर से कर देना। देन गाइस चलते हैं आज के वीडियो में। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं Realme P1 Pro 5C के डिजाइन से। देखो, बैक डिजाइन इस तरीके का कुछ देखने को मिल जाता है, पॉलीकार्बोनेट की फ्रेम मिल जाती है और यहाँ पे सर्कुलर शेप में आपको ड्यूल कैमरा सेटअप दिए जाते हैं, LED फ्लैश देखने को मिलेगा, साथ साथ Realme की ब्रांडिंग मिल जाती है, डिजाइन काफी बढ़िया मिलता है, फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास मिल जाता है, IP65 का सर्टिफिकेशन दिया जाता है इस स्मार्टफोन के अंदर। एंड फ्रेंड्स, फ्रंट में देखने जाओगे कर्व डिस्प्ले यहाँ पे दिया जाता है, जहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। डिस्प्ले कर्व होने के कारण से काफी अच्छी प्रीमियम फील देता है स्मार्टफोन जिस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होगा। इस स्मार्टफोन को मल्टीपल वेरिएंट्स में लॉन्च किया जाएगा, जहां पे आपको LPDDR4X की रैम टाइप मिल जाती है, UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिलेगा, लेकिन बट यहां पे जो 3.5mm का ऑडियो जाएगा वो मिसिंग रहेगा। ड्यूल स्टीरियो स्पीकर यहां पे आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। जो स्मार्टफोन है एंड्रॉइड 14 पे रन होता हुआ दिखेगा, Realme UI 5.0 का UI थीम मिल जाता है और इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है, जहां पे आपको 45W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। एंड फ्रेंड्स, फाइनली अब बात करते हैं Realme P1 Pro 5C के डिस्प्ले से। यहां पे आपको 6.6 इंच का 120Hz वाला कर्व डिस्प्ले गाइस दिया जाता है और यहाँ पे आपको HDR10+ का सपोर्ट मिलेगा, डॉल्बी विजन भी गाइस साथ साथ मिल जाता है, फुल HD रिजोल्यूशन मिलने वाला है, कंटेंट वाइज में आपको काफी मजा आएगा, 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी जो आउटडोर में काफी हेल्पफुल रहेगी। एंड गाइस, रियर कैमरा में देखने जाओगे बैक की तरफ आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिल जाते हैं सर्कुलर शेप के अंदर, और अभी यहाँ पे डिसाइड नहीं है कि कौन सा मेगापिक्सल का कैमरा दिया जाता है, बट यहाँ पे कंफर्म अभी लीक्स अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया जा रहा है 50MP का मेन सेंसर मिलेगा, OIS का सपोर्ट मिल जाता है, स्टेबिलाइजेशन दिया जाता है, सेकेंडरी 8MP का अल्ट्रा वाइड मिलेगा। ओवरऑल देखो कि कैमरा आपको डिसेंट दिया जाता है, रियलमी के जितने स्मार्टफोन के अंदर आपको कैमरास मिलेंगे काफी अच्छे मिल जाते हैं, काफी अच्छे फोटोज निकाल के देते हैं। एंड फ्रंट के अंदर आपको 16MP का सेल्फी शूटर लेंस दिया जाता है, फ्रंट कैमरा से भी काफी इस तरह से फोटोज ले सकते हो। एंड फाइनल गाइस, अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। देखो, ये कंफर्म हो चुका है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6th Gen 1 वाला प्रोसेसर दिया जाता है। ये जिस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होगा स्मार्टफोन, वहां पे आपको जो प्रोसेसर है काफी बढ़िया दिया जाता है, मल्टीटास्किंग और हाई गेमिंग वगैरह इजिली कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब फाइनली बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के प्राइसिंग के बारे में। देखो, इसकी जो प्राइसिंग है Realme ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है, अंडर 20,000 ये स्मार्टफोन रहने वाला है और 2,000 ऑफर वगैरह लगा के बेस्ट डील आपको 17,000 के लगभग देखने को मिलेगी, जहां पे आपको काफी अच्छे बेस्ट स्पेसिफिकेशन दिए जाते हैं Realme की तरफ से, साथ साथ Realme की ब्रांडिंग मिल जाती है। ओवरऑल गाइस, ये था कुछ अपडेट Realme P1 Pro 5G से रिलेटेड, और कुछ के लिए वो गाइस आप कमेंट कर सकते हो। देन गाइस, तो मिलते हैं ऐसे में वीडियो में गाइस, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।